ये देखिए गाइस, ये है थोड़ा राउंड शेप में है। कैसा है दत्तू भाई? ये यूट्यूब के लिए मैंने एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है। ये है डिजिटेक का ट्राईपॉड है गाइस, ये डिजिटेक का ट्राईपॉड है। और गाइस ये एक बोया का माइक लिया है मैंने, बोया का ये कॉलर माइक है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? कल एक्चुअली मैं ब्लॉग नहीं चल पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्दी था, जुकाम था और थोड़ा बुखार भी था, तो इस वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऑप्टिकल शॉप। मेरे आँखों में ना थोड़ा रेडनेस आ रहा है, मतलब सिस्टम पे जैसे ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो आइस जो है ना रेड हो जाता है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी लेंस लेने के लिए, तो उसके बाद फिर आराम से हम काम कर सकते हैं। एक्चुअली जो है ना एडिटिंग करते रहते हैं हम और यूट्यूब वगैरह भी देखते रहते हैं, मतलब मोबाइल्स भी देखते रहते हैं, तो उसके लिए ना वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फिर अभी चलता हूँ मैं ऑप्टिकल शॉप और मिलता हूँ आपको वहाँ पर। तो फाइनली गाइस अभी शॉप पर आ चुका हूँ और ये है हमारे पीछे हमारे फ्रेंड है, इनका नाम है दत्तू, और बस ये दिखाएंगे हमें, देखते हैं हमें। अपना दुकान कहाँ पे है? ये है जगदीर गुट्टा लास्ट बस स्टॉप है, ये हैदराबाद में है। तो अगर यहाँ से कोई वीडियो देख रहा है भाई, अगर जगदीर गुट्टा से, तो प्लीज़ भाई के शॉप में आना और काफ़ी अच्छा आपको लेटेस्ट मॉडल मिल जाएगा जो भी है, और अच्छे अच्छे वैरायटी मिलेंगे और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। क्यों दत्तू यार भाई, देखो यहाँ पे जितने भी शॉप है ना काफ़ी अच्छा रीजनेबल रेट में मिलता है, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, और आप लोग भी आके एक बार ट्राई करना भाई के पास। तो दत्तू भाई कौन सा हमारे लिए दिखाओगे आप? अपने लिए तो अच्छा ब्रांड्स मिलता है जो यहाँ पे ट्रेडॉल मिलता, जेंट्स मिलता। एक्चुअली मैं कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो कंप्यूटर के बेसिस के लिए आ रहे हैं अभी। अच्छा, फोटो सजेस्ट कर रहे हैं, वही है मतलब कंप्यूटर पे अपन ज़्यादा देर भी काम करें तो अच्छा रहता, मतलब ब्लू रेस सिस्टम यूज़ के लिए तो स्पेशल लेंस है। ओके ओके, एडवांटेजेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं अपने लिए देखता हूँ लेंस, तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी फ्रेम डाल के देखते हैं कौन सा फ्रेम सेट होता है, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना जो भी फ्रेम अच्छा लगेगा। तो ये देखिए गाइस, ये है थोड़ा राउंड शेप में है। कैसा है दत्तू भाई? ये थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा रहे तो अच्छा दिखता है, थोड़ा राउंड में है ये, स्क्वायर में देखेंगे जरा, ये भी थोड़ा सही नहीं है, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला है वाला। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये, मुझे तो यार ये ठीक लग रहा है, ये दत्तू भाई ठीक लग रहा है ये, हैं अच्छा है ना। तो गाइस ये फ्रेम फाइनल कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों को बताना कैसा लगा ये। चलिए चलते हैं और देख लीजिए, दत्तू भाई का शॉप है और काफ़ी अच्छे वैरायटी है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कौन सा सेक्शन है दत्तू भाई? ये मेटल सेक्शन है, तो रेगुलर मॉडल्स है, तो ब्रांड सेक्शन बोलो तो ब्रांड सेक्शन है। ओके, और ग्लोबल सेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये पूरा मेटालिक सेक्शन है, ये मतलब मेटल फ्रेम आएगा पूरा इसमें, और ये जो सेक्शन है ये पूरा अभी लेटेस्ट जो भी है, मतलब यूथ जो भी प्रेफर कर रहे हैं ना आजकल यही कर रहे हैं पूरा, अभी जो दत्तू भाई पूरा यूथ के लिए ये है आजकल। और ये जो है सनग्लासेस सेक्शन है, मतलब हर एक चीज़ का वैरायटी है इनके पास, दत्तू भाई के पास। अगर जिसको भी लेना होगा ना एक बार आके आप टच करना दत्तू भाई को, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर लेना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके भी आ सकते हैं। टाइमिंग क्या है दत्तू भाई? मॉर्निंग 9:30 टू नाइट 9:30 ओपन रहता है। ओके, संडे? संडे भी ओपन रहता है, संडे टाइमिंग 10:30 टू 8:00 तक रहता है। तो ठीक है गाइस,
आपको दिखा दिया हूँ, अगर जो भी आना चाहते हो प्लीज़ भाई यहाँ पे आना जगत भुट्टा में। और दत्तू भाई का नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छे वैरायटी है इनके पास, और ज़्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, जल्दी से यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक 15-20 मिनट में आप वेट करेंगे मिल जाएगा लेंस आपको। ओके गाइस, अभी बिलिंग कराते हैं, उसके बाद अभी चलता हूँ मैं यहाँ से। दत्तू भाई ये पूरा दे दिए हैं हमको, केस के साथ में दिए हैं, केस वगैरह सब अच्छा है, चलते हैं हम यहाँ से। A few moments later. So guys, अभी मैं कुछ Amazon से कुछ ऑर्डर किया था, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये YouTube के लिए मैंने एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, और इनकी अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका हूँ, क्या बताऊँ, बस बताने के लिए आपको मैं बस बता रहा हूँ आपको। ये है Digitech का ट्राईपॉड है गाइस, ये Digitech का ट्राईपॉड है, ये मैंने लिया था 400 में लिया था ये। तो ये देखिए गाइस, ये ट्राईपॉड के साथ में हमारे को ये चीज़ें मिलती हैं उसमें। एक तो ये Digitech का ये ट्राईपॉड मिलता है, ये काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, हैवी क्वालिटी है। इस पर आप अपना मोबाइल भी आप माउंट कर सकते हो, और कैमरा भी माउंट कर सकते हो उसको। और इसके साथ में एक बॉल हेड मिला है, इसको बॉल हेड ये एडजस्ट कर सकते हैं आप, ये पीछे जो नट दिया है ना इसको वे इसको घुमा के आप लूज टाइट कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ रोटेट कर सकते हैं इसको। और एक ये मोबाइल होल्डर दिया हुआ है, तो इसको मैं फिक्स करके बताता हूँ कैसा दिखता है ये फिक्स करने के बाद। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से कुछ नज़र आता है, ये ऐसे आप पकड़ के व्लॉगिंग कर सकते हैं। और देखिए गाइस इस तरीके से आप इसको स्टैंड भी कर सकते हैं कहीं भी, मतलब इसको आप इसको लगा के कहीं भी ऐसे शूट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट ये है गाइस, ये है बोया का M1 माइक है, कॉलर माइक है ये, मतलब दूर की वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं इसकी मदद से, कि ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका कॉस्ट है 750 रुपीज़ है अमेजोन में, और ये है इसका बोया M1 इसका मॉडल नंबर है, ये भी काफ़ी अच्छा माइक है ये। और गाइस नेक्स्ट ये है, ये जो है ये भी बोया का ही माइक है, M1 इसका मॉडल नंबर है, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे भी क्वालिटी अच्छी आती है, आप DSLR में भी लगा सकते हैं इसको, कैमरा में भी और फ़ोन में भी कहीं भी इसको लगा सकते हैं आप, इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये विंडशील्ड है, जैसे कोई भी नॉइस बाहर की नॉइस आपको इसमें मतलब रिड्यूस हो जाता है इससे ये लगाने से। तो मैंने सोचा यार ये सब ज़रूरी है, ऑडियो क्वालिटी तो यार बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया इसमें। ये मेरे को अमेजोन में पड़ा है 1525 रुपये कुछ पड़ा है इसका। तो यही है गाइस तीन चीज़ें जो मैंने अभी इन्वेस्ट किया है यूट्यूब में, ये फर्स्ट आपका हो गया ये शॉटगन माइक हो गया, और ये ट्राईपॉड हो गया Digitech का छोटा वाला, और ये बोया कॉलर माइक हो गया एक, बस ये तीन चीज़ें ली है मैंने। ये तीन चीज़ों में भाई 2600 रुपये लग चुके हैं मेरे, तो यार इतना तो लगाना ही पड़ेगा अगर यूट्यूब आप कर रहे हो तो। ये तो स्टार्टिंग है ये। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।